शुगर हो गया, गैस्ट्रिक हो गया, जॉन्डिस हो गया, यहाँ तक कि मिर्गी कैंसर तक का दवा हम आपको बता देंगे। 10 साल तक कोर्स किए हैं और वो भी बहुत ब्रिलियंट, मतलब जो होते हैं ना बेदराज, उनके यहाँ। इनका जो ग्रेवी है ना वो हमको सूप टाइप का लगता है, बहुत मज़ा आता है। मेरा मधु साहू नाम है। डेली 15 से 17 किलो जितना बिक जाए बस उतना ही माल लाते हैं। डेली बनाना है और डेली खिलाना है। पहले आप क्या करते थे? बेदराज के यहाँ काम करते थे, पेशेंट आते थे, अपने से ही दवा बना के उनको देते थे और अभी भी उस चीज़ को हम जारी रखे हैं इसके अलावा भी। अच्छा, अभी भी ऐसा करते हो? अभी भी हमको ये मेडिकल में बुलाया जाता है कि मेरा पेशेंट आया है तो आप दवा दीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जब भी आप मटन खाने के लिए आओ ना तो उस चीज़ का तो ध्यान रखा जाएगा कि आपके स्वास्थ्य के बारे में, तो वो ध्यान रखा जाएगा। ईसा मटन चावल, अभी हम खड़े हैं ईसा मटन चावल के एकदम फोंड में, अंदर पक रहा है खाना। और यहाँ का मटन चावल बहुत ही फेमस है, 15 साल पुराना दुकान है और 110 रुपये में बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का मटन और चावल इधर खिलाते हैं। ये पूरा एकदम स्ट्रीट टाइप ढाबा है, छोटा सा, इधर मटन पक रहा है। डिटेल में हम आपको थोड़ा दिखाने का कोशिश करेंगे। अंदर चर्बी डाले हैं क्या? बस प्याज और सारे जो मसाले हैं सब डाल के, अभी चुस्ता भी आप देखे हो, वो सब सारे डाल के इधर अभी पकाएंगे। सर, ये पूरा खाना मस्टर्ड ऑयल में होता है क्या? सरसों का तेल में होता है? ये हल्दी पाउडर है। हल्दी पाउडर, ये ब्रांडेड है ना? हाँ। मसाला में क्या क्या डालते हो सर? देखिए, मसाला में घर से पीस के लाते हैं हम लोग, आपका आदि, लहसुन, मिर्चा, उसके बाद फिर गर्म मसाला में रहता है गोटा वाला में, आपको दालचीनी, इलायची, साजीरा, जावित्री, कबाब चीनी, ये सब मसाला को पीसा जाता है, घर से ही हम पीस के लाते हैं मसाला। कश्मीरी है या नॉर्मल सा है? नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक है। गरम मसाला और मीट, गरम मसाला और मीट मसाला, ये जा रहा है गरम मसाला 50-50 ग्राम। फिर से क्या है? गोलकी पाउडर। ज़्यादा तीखा ना हो जाएगा? नहीं नहीं। और प्राइस कितना है आपके इधर? अभी 110 रुपया है। कितना पीस आएगा? एक पीस मटन और एक प्लेट चावल। ओके, साथ में ग्रेवी वगैरह? हाँ हाँ हाँ, जितना मांगिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी कितना टाइम लगने वाला है ये कंप्लीट होने में? 1.5 घंटा कम से कम। 1.5 घंटा? हाँ, लकड़ी में बनता है ना, वो धीरे धीरे भाप में बनता है। पूरा एड्रेस बता दीजिए यहाँ का। ये आपका राधा नगर, ये पांड्रा थाना के बगल में है, रांची। अच्छा, और होटल का नाम? ईशा मटन चावल। तो ये होने के बाद फिर मिलते हैं आप। ठीक। बाइक का लाइन देखिए, बाइक का लाइन से ही पता चल रहा है कि ये जगह कितना फेमस है। मटन बन के तैयार, ये देखिए भाई साहब, पूरा बन गया? नहीं, हाँ पूरा पक गया, अच्छे तरीके से पक गया। थोड़ा वेट किया आज, बहुत बहुत वेट करने के बाद हम सोचे कि आज अच्छे से ही खाएंगे, अच्छे से बैठ के खाएंगे, मजा करके खाएंगे, मजा करके खाएंगे। चलो भाई, देखो ये है मटन, ठीक है, और ये है अपना चावल। तो भैया अभी है बारी टेस्टिंग, तो चलिए पहले लेते हैं मटन जो काफ़ी बड़ा साइज है, और थोड़ा सा ग्रेवी विथ चर्बी। तो हम लोग वही किए कि एक प्लेट लिए चावल, वो दोनों यू नो डिवाइड कर लिए, क्योंकि एक प्लेट चावल के प्राइस है आपका 30 रुपये, हाफ प्लेट लोगे तो 15 रुपये। तो पहले थोड़ा क्लोज आओ, उसको पहले थोड़ा ट्राई करते हैं ग्रेवी से। मसालेदार, तीखा, थोड़ा नमकीन, ये अपना मटन। मटन काफ़ी सॉफ्ट है, अच्छा लगा मुझे, क्वालिटी वाइज भी सही है। 110 रुपये में इससे बढ़िया तो सर नहीं हो सकता, एक्सपेक्टेशन यू नो रखना गलत बात होगा। भाई ये महातो होटल से काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है, जो यू नो थोड़ा उल्टा साइड में है महातो होटल, क्वालिटी हम इसका आगे रखेंगे, स्वाद में क्वालिटी में दोनों में ही हम इसको आगे रखेंगे। थोड़ा मटन से चावल और एक थोड़ा सा प्याज, ये अपना मटन का बिग बाइट।
रोड के ऊपर छोटा सा एक ढाबा है जहाँ पर ऐसा क्वालिटी का मटन आपको मिलेगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। एक्सप्लोर कर रहे हैं रांची का खाना, और भी वीडियो आने वाला है वन बाई वन। तो क्या है, चैनल को ना थोड़ा सब्सक्राइब कर लो, यदि फेसबुक से देख रहे हो तो पेज को ना थोड़ा फॉलो कर लो। तो आज का वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद। लेकिन उससे पहले जो भाई हमसे वीडियो बनवाना चाहते हो वो मेरे फेसबुक या इंस्टा पे मैसेज डाल दो, तुरंत रिप्लाई मिल जाएगा। इसलिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।